हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम लगे हुए हैं। दोस्तों आपको पता है कि रेलवे 15 दिसंबर से अपने एग्जाम करवाने स्टार्ट कर देगा। दोस्तों उसके अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम रसायन विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूरे 30 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, खारा पानी संकेत करता है। खारा पानी किसकी तरफ संकेत करता है दोस्तों? नमकीन पानी का, मीठे पानी का, शुद्ध जल का, या फिर स्टार्च जल का, ठीक, किसके लिए इशारा करता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। और देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछेंगे होंगे, जैसे कि ये दिखा है SSC मल्टी टास्किंग स्टाफ ना, तो ये आपका इस तरीके से आपको लिखे हुए मिल जाएंगे जहाँ पे पूछे गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ किसके लिए संकेत करता है दोस्तों, किसके लिए करता है? हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? नमकीन पानी का, ठीक। आपको बताओ खारा पानी कैसा होता है? नमकीन होता है दोस्तों। ये आपके लिए ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। देख दोस्तों, एक खारे पानी में खारे पन की जो प्रशस्तता होती है लगभग 3.5% से लेकर के 26% तक के मध्य होती है दोस्तों। कितने से? 3.5% से 26% के मध्य होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब सांद्र HNO3 का एक भाग सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों से मिश्रित किया जाता है तो एक शक्तिशाली विलायक उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसको? एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वारेजिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ठीक, इसके साथ में इसको क्या बोलते हैं हम? एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया होता है क्या दोस्तों? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक्वारेजिया क्या होता है? इसको हम अम्लराज बोलते हैं दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन में आपका आ जाएगा अम्लराज। दोस्तों क्या होता है ये? अम्लराज होता है। एक्वारियम क्या बोलते हैं हम? अम्लराज बोलते हैं। एक्वारेजियो को क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं दोस्तों, ठीक, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अम्लराज में होता क्या है कि सोना और प्लेटिनम धातुएं इसमें घुल जाती है दोस्तों, ठीक। तो ये चीज़ें आपको रखना है, ठीक है, कि ये क्या करता है? सोना और प्लेटिनम को क्या करता है? घोल देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिरका अम्ल का प्रतिशत अनुपात होता है तो सिरका में कितने परसेंट अम्ल होता है दोस्तों, वो आपको बताना है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिरका में पानी में एसिटिक एसिड जो होता है आपका कितने परसेंट? तो 5% बिलियन होता है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया था दोस्तों? बैटरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अगर किसी भी तरीके की गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक एसिड डाला था दोस्तों। वो कौन सा एसिड होता है आपको पता होगा, जिसे हम तेजाब कहते हैं, तेजाब के नाम से, ठीक, H2SO4 दोस्तों। क्या होता है उसका सूत्र? क्या होता है? H2SO4, जिसको हम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक दोस्तों, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक दोस्तों, जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। देखिए सभी अम्लों में क्या समान होता है दोस्तों? कोई भी अम्ल होगा, किसी भी प्रकार का अम्ल ले लो, या चाहे आप HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक, किसी भी प्रकार का अम्ल लोगे उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोजन जरूर होगा उसमें। क्या हो रहा है? क्या होगा? हाइड्रोजन आपका जरूर होगा। जैसे H2SO4 तो ये देखिए हाइड्रोजन है ना, HCl में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी H है ना। तो इस तरीके से कोई भी अगर अम्ल लोगे आप तो उसमें बिना हाइड्रोजन के काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? छठा क्वेश्चन का है, KCN से क्रिया करके CuSO4 विलयन बनाता है। तो क्या बनाता है दोस्तों? KCN से क्रिया करके CuSO4 कौन सा विलयन बनाता है दोस्तों? तो आपको बता दें कौन सा बनाएगा दोस्तों, तो CuCN2 है ना, CuCN2 है ना, CN2 बताता है ना, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, CuCN का होल ट्वाइस, ठीक। तो ये चीज़ आपके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा? कि पसीने में होता है, हाँ, पसीने में होता है क्या होता है? जल, और उसके साथ में क्या होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल, दुग्धाम्ल, नमक, या फिर विनेगर। तो क्या होता है दोस्तों पसीने में? आपको पता होगा क्या होता है दोस्तों, तो नमक होता है, ठीक है। क्या होता है? नमक होता है दोस्तों, ठीक है, पसीने में क्या होता है? नमक होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एट नंबर का कहता है, निम्नलिखित में से किस धातु में थॉमसन प्रभाव मौजूद नहीं रहता। तो किस धातु में जो थॉमसन प्रभाव होता है दोस्तों वो मौजूद नहीं होता, तो किस में? सीसा में दोस्तों, ठीक है। जो थॉमसन प्रभाव हो वो सीसा में काम नहीं करता, उसमें क्या है? मौजूद नहीं होता मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौ नंबर का कहता है, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता, तो किसका ऋणात्मक में प्रयोग करते दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसका करते हैं, तो जिंक का। किसका? जिंक का प्रयोग हम ऋणात्मक के रूप में करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर का कहता है कि सिरका किसका जलीय विलयन है, तो सिरका किसका जलीय विलयन है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सिरका किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल को, जिसको हम वेनिगर बोलते हैं सिरका को, तो किसका होता है विलयन? वो एसिटिक अम्ल का होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का कहता है साइट्रिक एसिड, है ना, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किससे होता है, तो साइट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा जो खट्टे पदार्थ होते हैं, चाहे नींबू हो जाए, संतरे हो जाए, या फिर जो कागजी नींबू होते हैं, या खट्टे अन्य पदार्थों से क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता। तो हमारा क्या हो जाएगा? नींबू इसका सबसे अच्छा स्रोत होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थों में से, युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत चुरक, है ना, जिसको सेवर बोलते हैं, आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो कौन सा होता है ये आपको बताना। तो हमारा 12 का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, निकेल और कैडमियम। कौन सा? निकेल और कैडमियम का होता है, टॉर्च लाइट, विद्युत चुरक आदि साधनों में सामान्यतः इसका प्रयुक्त करते हैं, किसमें? बैटरी आवेशों में, ठीक, इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला। चलिए 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो कौन सा जो है प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लौह, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या है? अनुचुंबकीय है दोस्तों। क्या है? अनुचुंबकीय है दोस्तों। कौन सा? ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब चींटियां काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं, तो क्या अंतःक्षेपित करती है? चींटियां काटती है, देखिए आपको हल्का सा चुनचुनाहट सा महसूस होता है दोस्तों चींटियां काटने पर, तो वो कौन से अम्ल के कारण होता है दोस्तों? तो आपको बता दें क्या अम्ल होता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल। क्या होता है? फार्मिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? HCOO और H, ठीक, ये क्या होता है? फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों। तो चींटियों के जो काटने में जो दर्द महसूस होता है वो किससे होता है? फार्मिक अम्ल से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक साधारण बल्ब बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें बताना आपको क्या कि विचार करना, ठीक दोस्तों, क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, दूसरा है कि बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, तीसरा है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका? अब देखिए ये किसमें कौन कौन सही है दोस्तों, तो हमारा बता दें इसमें से आपके तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो तीनों ऑप्शन सही है मतलब हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा? फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, बिल्कुल सही है, ठीक, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, बिल्कुल सही ना, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आयनी जो यौगिक होते हैं उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पहला है आयनी यौगिक अल्कोहल में अभिलेय होते, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही है। क्या होते हैं? जो आयनी यौगिक होते हैं वो अल्कोहल में क्या होते हैं? अभिलेय होते हैं दोस्तों, तो याद रख लेंगे क्या होते हैं, जो अल्कोहल में अभिलेय होते हैं, ठीक दोस्तों, ये चीजें याद रख लेंगे, यही हमारा सही हो जाएगा, और बाकी सब ऑप्शन क्या है गलत है, तो हमें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया दोस्तों, कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा या फिर जस्ता? सबसे अच्छा, अगर देखिए आपको अगर तार सबसे अच्छा चाहिए तो आप चांदी का तार बनवाइएगा, ठीक है दोस्तों, तो चांदी का होता है सबसे अधिक सुचालक होता है दोस्तों लाइट के मामले में, सबसे ज्यादा कौन सा? चांदी दोस्तों, चांदी का तार होगा सबसे अच्छा होगा दोस्तों, उसमें लाइट की जो है, क्योंकि ये क्या होता है उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होता है दोस्तों, क्या? चांदी, ठीक दोस्तों, तो चांदी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो थर्मस होता है, देखा होगा आपने कि उसमें पानी ठंडा करने के लिए क्या होता है, जो थर्मस होता है जिसमें पानी कुछ समय तक ठंडा रहता है, उसकी जो परत होती है दोस्तों वो भी आपकी चांदी की परत रह जाती है दोस्तों, ये याद रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों, ठीक, देख लीजिए, UPPCS का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, कौन सा विद्युत अचुंबकीय है दोस्तों? तो हमारा निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम या फिर तांबा दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तांबा, तांबा क्या होता है, विद्युत अचुंबकीय होता है दोस्तों। चलिए अगला है, जल में आसानी से घुलनशील है, कौन जल में आसानी से घुल जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर आयोडीन दोस्तों। तो कौन सा घुल जाएगा आसानी से, तो आपको पता होगा अमोनिया क्या होता है कि जल में आसानी से घुल जाता है मेरे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से क्या सुमेल करना दोस्तों, ये दिया हुआ है कि किससे क्या पाया जाता है दोस्तों। पहला देखते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाए दोस्तों, तो आपको बता दें किसमें, दूध में। ठीक, किसमें पाया जाएगा दोस्तों, चलिए इसको हम मिलान कर लेते हैं यहीं पर। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, दूध में। ठीक दोस्तों, हमारा ए का थ्री हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ए का थ्री हो जाएगा। ठीक, एसिटिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, सिरका में। किसमें, सिरका में पाया जाएगा एसिटिक अम्ल दोस्तों। देखिए साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो आपको पता होगा साइट्रिक अम्ल किसमें आता है, नींबू में। किसमें दोस्तों, नींबू में। और जो ब्यूटानिक अम्ल होता है ये किसमें होता है, दुर्गंध युक्त मक्खन दोस्तों। तो हमें सही पता चल गया, एक का तीन हो गया है ना, और दो का चार, एक का तीन दो का चार, कहाँ पर जहाँ जहाँ पर मिलता है, एक का तीन और दो का चार। ठीक, एक का तीन दो का चार, तो ये देखिए हमारे चौथा ऑप्शन हमें मिल गया, बिल्कुल सही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान, जो सागर का जल होता है वो लवणीय होता है दोस्तों, खारा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए सिंपल सा, कि क्या होता है उसमें, नमक होता है दोस्तों। क्या होता है, नमक होता है, यानी NaCl, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड दोस्तों, NaCl बोलते हैं दोस्तों नमक को। ठीक, तो यही सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, अधिकतम योगदान देता है खारेपन में। ठीक दोस्तों, ये भी पीछे सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है दोस्तों, तो कौन सा कोलाइड नहीं दोस्तों, तो क्या है, आइसक्रीम क्या होता है हमारा, कोलाइड नहीं होता दोस्तों। क्या है, आइसक्रीम हमारा कोलाइड नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे, आइसक्रीम हमारा कोलाइड नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, तो कौन सा धातु जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। देखिए आप लोगों ने देखा होगा लोहा को भी खींच लेता चुंबक। ठीक, तो कौन सी धातु जो चुंबक को आकर्षित नहीं करती, देखिए निकेल भी चुंबक क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, कोबाल्ट भी खींच लेगा। ठीक, मगर एल्युमिनियम को नहीं खींचेगा दोस्तों, आपने कभी ट्राई किया होगा, तो एल्युमिनियम को ये क्या करता है, अपनी तरफ नहीं खींचता दोस्तों। ठीक, तो ये अचुंबकीय होता दोस्तों, तो याद रख लेंगे किसको, एल्युमिनियम को नहीं खींचता। अब कभी पूछ लेगा खींचता किसको, उसको लोहा, निकेल और कोबाल्ट को दोस्तों। ठीक, तो यही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, आपके पुलिस ने भी पूछा गया। ठीक है, कि ट्यूबलाइट में क्या होता है, कौन सी परत चढ़ाई जाती है, अंदर कौन सी परत होती है, किस चीज का लेप किया था दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और लेप किसका होता है, वो आपको बताया था पारा का दोस्तों, किसका, मरकरी का, पारा का। ठीक, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक, आर्गन गैस होती है दोस्तों, और मरकरी क्या होता है, उसका लेप चढ़ाता है, जो आपने देखा होगा कभी आपने ट्यूबलाइट तोड़ी होगी, तो उसमें सफेद सफेद सा निकलता है दोस्तों, उससे आपको चाटना नहीं दोस्तों कभी। ठीक है, पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये पारा होता है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसान कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि धातु तार में वैद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है, जो धातु तार होते हैं उसमें वैद्युत धारा प्रवाह किसके कारण हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या फिर छिद्र के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयन। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, आयन। ठीक है, देखिए आयन दो होते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अगला 26 नंबर, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित में से गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो हमारा 26 का सही ऑप्शन क्या जाएगा, आर्गन। ठीक, क्या होती है, आर्गन गैस होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है दोस्तों, देखिए किस रसायन से क्या होता है, जल को हम संशुद्धि यानी उसको हम शुद्ध करने कर देते हैं दोस्तों। ठीक, तो आपको पता होगा क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जानते हैं दोस्तों KMnO4 है ना, लाल दवाई जिसको बोलते हैं, कुआं में डाला जाता है। ठीक, तो KMnO4 जो था दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, लाल दवाई, पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या बोलते हैं, लाल दवाई बोलते हैं, जो कि आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, इसके द्वारा हम पानी को शुद्ध करते थे दोस्तों, आपने देखा कुएं में डाला जाता था है ना। इसके अलावा और किससे आप शुद्ध करते थे, क्लोरीन गैस होती है। ठीक, क्लोरीन गैस होती है दोस्तों, इससे शुद्ध कर सकते हैं। और पोटास एलम होता है, जिसको बोलते हैं पोटास एलम, इसके द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जा सकता। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों। ठीक, जिसको लाल दवाई बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता दोस्तों, तो किसके द्वारा हम अस्थायी कठोरता दूर कर सकते दोस्तों, तो किसके द्वारा, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों। तुम्हारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट दोस्तों। चलिए 28 हो गए दोस्तों, 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारत में
नगरपालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है दोस्तों, किससे करते हैं जो नगरपालिका, ठीक है, तो किससे करते हैं, क्लोरीन से। देखिए ये क्या होता है, मतलब जो नगरपालिका होती है, ठीक है, जल का उपचार मतलब जल को शुद्ध कैसे करती है, तो क्लोरीन डाल के, क्या क्लोरीन की गोलियां होती है दोस्तों, उसको डाल लीजिएगा, गंदा पानी का जाएगा, शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह जिस तरह से KMnO4 डाला था, मतलब कि लाल दवाई जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, उसके द्वारा भी पानी को शुद्ध किया था, और पोटास एलम के द्वारा भी शुद्ध किया था। तो तीन चीजें आप लोग जरूर याद रखेंगे, एक पोटास एलम होता है, और दोस्तों देखिए फिटकरी से आप स्कंदन विधि द्वारा शुद्ध कर सकते हैं पानी को, ये क्वेश्चन भी कई बार आया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कचरा जमा था फिटकरी, पानी में कचरा जमा रहेगा, आप फिटकरी डालेंगे तो क्या कचरा नीचे बैठ जाता दोस्तों, ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है, क्योंकि भारी जल उसे क्यों कहते हैं, ठीक है, भारी जल उसे क्यों कहते हैं, आपको पता होगा कि हैवी वाटर जिसको बोलते हैं D2O को, ना D2O क्या होता है, हैवी वाटर, और H2O क्या होता है, ये जल होता है दोस्तों, ठीक। तो एक जल भारी नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, इसलिए किस लिए उसको भारी जल बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों, साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, मतलब वो फेना नहीं उत्पन्न करता दोस्तों, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, भारी जल दोस्तों। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। देखिए हमने अभी जो UPSC के पेपर हुए थे, ठीक, उसको हमने सॉल्व कराया दोस्तों, यहाँ पर जाकर के बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कुछ भी हिंदी नहीं आती या फिर आती है, तो आप जरूर जाइए एक बार पढ़ के देखिए हमसे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। इसके अलावा जेल वार्डन फायरमैन के पेपर लगे हैं, उसके हमने प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, ठीक है, और हिंदी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत सारी, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, और संविधान के भी आपको मिल जाएंगे। देखिए इसके अलावा NTPC रेलवे की आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको भी मिल जाएंगे, हमारे यहाँ एक प्लेलिस्ट बना देंगे रेलवे एग्जाम के नाम से, ठीक, वहाँ पे जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियो दोस्तों। और अगर आपको इसका और भी पार्ट चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर हम इसका दूसरे पार्ट भी लेकर के आएंगे दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।